गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है चंदा मामा आ। चंदा मामा तो तुम्हें बहुत ही अच्छे लगते होंगे। रात में घर की छत पर खड़े होकर आसमान में तारों के बीच चमकते चंदा मामा हम सबका मन मोह लेते हैं। तो आओ, आज हम चंदा मामा के बारे में जानते हैं। रात के अंधेरे में रोशनी बिखेर देने वाला चंदा मामा हम सबका मन मोह लेता है। जब हम चंदा मामा के बारे में नहीं जानते थे तो विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुना करते थे जो बहुत पसंद आती थी हमें। अब तो हम चंदा मामा को करीब से देख चुके हैं। वैज्ञानिक चंदा मामा पर पहुंच भी चुके हैं और उसके बारे में ढेर सारी जानकारियां भी हासिल कर चुके हैं। चंदा मामा को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं, चांद, चंद्र, चंद्रमा, और अंग्रेजी में हम इसे मून भी कहते हैं। ये कविता शिशुपाल सिंह निर्धन द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक बच्चा चंदा को चंदा मामा कहकर पुकार रहा है। आम तौर पर बच्चे चंद्रमा को चंदा मामा ही कहकर बुलाते हैं। मामा मतलब माँ का भाई, और मामा का रिश्ता बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक माँ से बच्चे को जो ममता मिलती है वही अपनत्व बच्चा अपने माँ के करीबी रिश्तों से भी चाहता है। उसे मामा के रिश्ते भी अपने काफ़ी करीब होने का तथा प्यार का एहसास कराता है। तो आओ, आज हम चंदा मामा के बारे में पढ़ते हैं। आरे चंदा मामा आ, अपनी बिमल चांदनी ला। यहाँ बच्चा चंदा मामा को बुलाते हुए कहता है कि चंदा मामा, अब तुम जल्दी से आ जाओ और अपनी दुधिया रोशनी भी लेते आओ, यानी अपने साथ अपनी स्वच्छ और मध्यम रोशनी या शीतल रोशनी भी लेते आओ। धरती पर अंधियारा है तो उजियारा लेकर आ। सूरज के जाने पर सारी धरती पर अंधेरा छा गया है, इसलिए अब तू अपनी शीतल रोशनी को लेकर के आकाश में आ जाओ और पूरी दुनिया में अपनी शीतलता को फैलाओ। खीर पकाई है मानी, जल्दी से आकर खा जा। अब यहाँ इन पंक्तियों में बच्चा कहता है कि आज माँ ने घर में खीर बनाई है, इसलिए तू भी उसे खाने के लिए आ जाओ। माँ भी खुश हो जाएगी, तभी बजाऊंगा बाजा। अपनी दुधिया रोशनी को लेकर तुम जब आकाश में आ जाओगे तो तुम्हारी इस दुधिया रोशनी में बैठकर हम सब परिवार जब मिलकर खीर खाएंगे तो हमारे खीर खाने का उत्साह दुगना हो जाएगा, और खीर खाकर हम बाजा भी बजाएंगे। उस खीर की मिठास और भी बढ़ जाएगी हमारे लिए, और तुम्हें भी हमारी खुशी को देखकर खुशी होगी। इसलिए तू जल्दी से अंबर पर अपनी दुधिया रोशनी को लेकर फैलाओ। किरणों की डोरी थामे, अंबर से नीचे देख तो आ, नीचे तो आ। तू माँ का भैया है तो जल्दी मेरे घर आ जा। अब इन पंक्तियों में बच्चा चंद्रमा से यह उम्मीद करता है कि तू एक डोरी के माध्यम से या धागे के माध्यम से नीचे उतर कर आ जा, यानी अपनी रोशनी को फैलाते हुए तू नीचे आ जा और हमारे साथ बैठकर तू भी खीर खा, यानी अंबर से नीचे उतर कर किरणों के माध्यम से तुम हमारे तक पहुंच जाओ, क्योंकि तू माँ का भैया है तो जल्दी मेरे घर आ जा। क्योंकि तू माँ का भैया है इसलिए हम लोग तुम्हें मामा कहकर बुलाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे घर जो आज खीर बनी है उस खीर के दावत में तुम भी शामिल हो जाओ, तो हमारी खुशी और भी दुगनी हो जाएगी और हमारे लिए यह
जो पार्टी है वो और भी उत्साह भरी हो जाएगी। तो तू भी किरणों के माध्यम से हमारे घर में प्रवेश करो। यह कहते हुए बच्चा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम दूर गगन में खड़े होकर हमें इस तरह से छुप छुप कर देख रहे हो, इसलिए तुम जल्दी से आसमान में आ जाओ। चंदा मामा दूर गगन में रोज रात को आते हो, पर एक बात समझ नहीं आती, दिन में कहाँ छुप जाते हो। कभी बड़े कभी तुम छोटे, कभी गोल गोल बन जाते हो, इतने सारे रूप मगर तुम बोलो कहाँ से लाते हो। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कहाँ कहाँ तुम जाते हो, कभी बाद तो कभी कभी बादलों की ओट में चुपके से छुप जाते हो। आसमान की दुनिया में तुम दिन भर सैर लगाते हो, मस्त पवन के झोंकों से तुम अपना दिल बहलाते हो। कहने का मतलब, तुम बादलों की ओट में ही छुपकर सैर करते हो पर हमारे घर नहीं आते हो। आज मैं तुम्हें अपने घर बुला रहा हूँ, इसलिए आज तुम हमारे घर खीर खाने अवश्य आओ। इस तरह से ये नन्हा बच्चा चंदा मामा से यह उम्मीद करता है कि वह हमारे घर आए और आकर हमारे घर में जो खीर बनी हुई है वह हम सब कोई मिलकर एक साथ खाएं। यहाँ इस कविता में कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, जैसे बिमल। बिमल का अर्थ होता है स्वच्छ। उजियारा, उजियाला का अर्थ होता है उजाला। चांदनी, चांदनी का मतलब चांद की रोशनी। थामे, थामे का अर्थ होता है पकड़े हुए। अंधियारा, अंधियारा का मतलब अंधेरा। अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश। उसी तरह यहाँ कुछ कठिन शब्द भी हैं, जैसे बिमल, चांदनी, अंधियारा, उजियारा, पकाई, खुश, बजाऊंगा, किरणों, अंबर और जल्दी। ये सभी कॉपी में आप क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा और शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम हिंदी 2 में, हमें हाफ ईयरली का सिलेबस पूरा करना है, इसलिए अभी हम हिंदी 2 ही पढ़ेंगे। थैंक यू।